अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी, दोपहर 12 बजे लोकसभा में होगा राहुल का भाषण। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे करेंगे शुरुआत। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य और राज्यवर्धन राठौड़ भी सदन में रखेंगे बात। अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार और गुरुवार को भी होगी चर्चा। 3 दिन में 18 घंटे की बहस होगी। पीएम मोदी गुरुवार को शाम करीब 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास। बिल के समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा बिल। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में अमित शाह ने दिया जवाब। दिल्ली सेवा बिल संविधान के मुताबिक, बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है बिल, दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकना है मकसद। अमित शाह ने संविधान का उल्लेख करते हुए कहा दिल्ली बस एक राजधानी क्षेत्र है, पूर्ण राज्य नहीं। दिल्ली कई मायनों में दूसरे राज्यों से अलग। अमित शाह ने जेडीयू और आरजेडी पर कसा तंज। कहा जेडीयू का जन्म आरजेडी के विरोध से हुआ और अब इलू इलू गठबंधन चाहे जितना जोर लगाए मोदी ही आएंगे। दिल्ली सेवा बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों का अमित शाह ने करारा जवाब दिया। कहा केजरीवाल सरकार कर रही है पावर का अतिक्रमण। अमित शाह ने कहा दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए हैं बिल, भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी पर अमित शाह ने निशाना साधा। कहा आबकारी घोटाले और शीश महल की फाइल को लेकर केजरीवाल सरकार ने विजिलेंस को टारगेट किया। बिल के किसी भी प्रावधान से पहले से चल रही व्यवस्था में नहीं किया गया बदलाव, बोले केंद्रीय गृह मंत्री। केजरीवाल सरकार की घबराहट के पीछे फाइल्स की हेराफेरी। सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर अमित शाह का हमला। कहा टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट मतलब के लिए एकजुट हुए। अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस आज बिल का समर्थन की जगह विरोध में खड़ी है, कांग्रेस भूल गई है आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध से हुआ। अमित शाह ने कहा यह संशोधन कांग्रेस सरकार खुद लेकर आई थी, आज अपने ही लाए कानून का विरोध कर रही है कांग्रेस। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा आम आदमी पार्टी को खुश करने में लगी है कांग्रेस, बिल पास होते ही पलट जाएगी आम आदमी पार्टी। अमित शाह ने भाषण में इमरजेंसी का भी जिक्र किया। कहा इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात ना करे। अमित शाह ने कहा कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार ही नहीं, हम बिल इमरजेंसी के लिए नहीं लाए। राज्यसभा में बोले अमित शाह हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, मणिपुर पर हमें कुछ छिपाना नहीं, 11 अगस्त को चर्चा करा ले विपक्ष। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में भीषण मिसाइल स्ट्राइक, यूक्रेन का आरोप। रिहायशी इमारतों पर रूस ने की बमबारी, मलबे में दबे कई लोग। रूसी सेना की और बड़ी ताकत, रूस ने मिलिट्री सैटेलाइट का कक्षा में किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। रूसी समाचार एजेंसी तास का दावा डोनेट्स्क में पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने 135 सैनिकों को खोया, हमले में 2 टैंक, 6 बख्तरबंद गाड़ियां और कई हथियार तबाह। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय का बयान, कुपियांस्क और खार्किव में आगे बढ़ रही रूसी सेनाएं, पिछले 3 दिनों में रूसी सैनिकों की मिली बढ़त। कीव में रूसी हमले पर यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर किए घातक हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान। रूसी सैनिकों का निप्रो नदी के किनारे विध्वंसक हमला, फैब 250 से यूक्रेनी फोर्स पर की बमबारी। डोनेट्स्क में जंग से भारी तबाही, रॉकेट हमले में एक शख्स की मौत, 7 घायल, हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। खेरसौन में रूस का विध्वंसक हमला, अटैक में 9 मंजिला इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, हमले में इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से जमीन। माइकोलेव में जेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम, जेलेंस्की के दौरे वाली जगह पर मिसाइल हमले की साजिश, साजिश में शामिल एक महिला गिरफ्तार। जेलेंस्की की हत्या के लिए रूसी हवाई हमले की साजिश महिला रच रही थी, जेलेंस्की की यात्रा की जानकारी महिला जुटा रही थी। रूस का शांति समझौते पर बयान, का जेलेंस्की की शर्तों पर शांति समझौता असंभव, 10 बिंदुओं में से किसी का भी उद्देश्य संकट का बातचीत और कूटनीतिक समाधान ढूंढना नहीं है।
यूक्रेन को टॉरस मिसाइल जर्मनी देगा। 500 किलो मीटर के दायरे में हवा से हवा में मार करने में सक्षम है टॉरस क्रूज मिसाइल। ज़ेपोरोजिया के उरोजोइन गांव में कब्जे के करीब यूक्रेन की फौज। उरोजोई गांव में कई घंटे तक भीषण युद्ध रहा। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेन की फौज को रूसी सैनिकों ने तहस नहस कर दिया। रूसी फोर्स ने गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त किया। ज़ेपोरोजिया में ही रूस यूक्रेन के बीच घमासान के बाद दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमले में पूरा इलाका खंडर और बर्बाद। केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल पर साथ देने वाले नेताओं और दलों का आभार जताया। कहा, दिल्ली के लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली सेवा बिल को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, पीएम ने पूर्ण राज्य के दर्जे का वादा किया था, अब जनता को पीएम पर भरोसा। दिल्ली सेवा बिल पास होने पर बोले सीएम केजरीवाल, आज देश के इतिहास का काला दिन, दिल्ली से उसका अधिकार छीना गया। केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते पीएम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मोदी जी ने पलट दिया। केजरीवाल ने बिल को चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश बताया। कहा, चुनाव जीत नहीं सकते इसलिए अपनाया हथकंडा। केजरीवाल ने अमित शाह पर भी सादा निशाना। कहा, सत्ता का इतना घमंड न करें, हमारी असली शक्ति दिल्ली की जनता है। दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली सेवा बिल का पास होना दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली में विकास के नए अवसर खुलेंगे। दिल्ली सेवा बिल को लेकर बड़ा विवाद। राघव चड्ढा पर सांसदों के नाम के गलत इस्तेमाल का आरोप। आप सांसद ने सदन में मोशन किया था मूव। प्रस्ताव में चार सांसदों के गलत हस्ताक्षर मिलने का आरोप है। अमित शाह ने सभापति से जांच कराने की मांग की। सभापति ने सदन को जांच का भरोसा दिया। सेलेक्ट कमेटी में नाम भेजने के मामले पर बोले बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, मेरी जानकारी के बगैर सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया नाम चेयरमैन से की है शिकायत। प्रस्ताव पर सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप पर राघव चड्ढा ने कहा, मैं घबरा नहीं रहा, प्रिविलेज का नोटिस आएगा तो दूंगा जवाब। राज्यसभा में रंजन गोगोई के भाषण के दौरान चार महिला सांसदों का वॉकआउट। जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी समेत चार महिला सांसदों ने सदन से किया वॉकआउट। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रंजन गोगोई पर साधा निशाना। कहा, गंभीर चार्जेस के बावजूद लाया गया राज्यसभा में बिल, अभी भी महिला को नहीं मिला न्याय। राज्यसभा सभापति ने डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाई। सदन में मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला रहे थे डेरेक ओब्रायन। सभापति ने कहा, आपने इसे आदत बना लिया है। 9 अगस्त को राजस्थान का दौरा करेंगे राहुल गांधी। विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। कीव के पास अटैक मोड पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट लॉन्चर से दागी गई मिसाइलों ने रूस के 20 से ड्रोन को ढेर कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन ने 24 घंटे में 53 बार शेलिंग की है, 200 से ज्यादा शेल्स दागे गए। हमले में 9 सिविलियंस घायल हुए, 8 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डोनेस्क के थर्मोबारिक वेपन से रूस का जोरदार हमला हुआ, रूसी फोर्स ने थर्मोबारिक वेपन से अटैक किया। हमले में यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के ठिकाने तबाह हुए। यूक्रेन की 54th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूस पर अटैक, रूसी फोर्स के ठिकाने पर घातक हमला। आर्टिलरी अटैक में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस के सैन्य ट्रक को तबाह किया। 152 सेल्फ प्रोपेल्ड गन MSTAS से रूस के ट्रक पर बमबारी हुई। हमले में कई रूसी टैंक बर्बाद। 18 महीने में अमेरिका से यूक्रेन को मिला $66 बिलियन का पैकेज, $43 बिलियन के सप्लाई वेपन और वहीं $23 बिलियन की आर्थिक मदद। पोलिश फोर्स के डिफेंस मिनिस्ट्री से मांग की गई, कहा बेलारूस के साथ सीमा पर 1000 और सैनिकों की तैनाती हो। रूस के कालुगा में सीरियल ड्रोन हमले, यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट ने कालुगा के सामरिक ठिकानों को टारगेट किया। रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को ढेर किया। और वोलेदार में यूक्रेन की छावनी पर भीषण बमबारी, रूस ने की नॉनस्टॉप शेलिंग, यूक्रेनी छावनी को किया तबाह। रूस की 17वीं नेवल सेंटर का यूक्रेन पर भीषण अटैक, रूस के घातक हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों के उड़े पर खर्चे। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के मिलिट्री पोजीशंस को चुन चुन कर किया तबाह, तस्वीरों में यूक्रेन के कई सैनिक हुए घायल। पुतिन जिनपिंग की नौसेना ने अलास्का के पास किया युद्धाभ्यास, 11 युद्ध पोतों के साथ रूस और चीन की नेवी ने की पेट्रोल। ज्ञानवापी सर्वे का आज 5वां दिन, ASI की 4 टीमें कर रही हैं ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण।
आजमगढ़ में स्कूल छात्रा की मौत मामले में बड़ा विवाद, आज बंद रहेंगे पूरे यूपी के प्राइवेट स्कूल। बाबा बागेश्वर को लेकर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, मेरे और बाबा के संबंध के बीच अनुमान है, मैं हिंदू हूं और हिंदू होने पर गर्व। भारतीय संविधान के लोकाचार विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोगों को लोकाचार की अहमियत बताई। सिक्किम के नामची में धारा 144 लागू, रैली के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई थी झड़प, छात्र नेता पदम गुरुंग के लिए न्याय की मांग को लेकर निकली थी रैली। माफिया आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता के घर के बाहर नोटिस चस्पा। गुड्डू मुस्लिम को भी आज भगोड़ा घोषित करेगी पुलिस, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम, पुलिस ने रखा है 5 लाख रुपए का इनाम। नासिक में भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान, आवक कम होने से नासिक मंडी में भी टमाटर के भाव में उछाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, टॉप हिजबुल कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। देहरादून में भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, टपकेश्वर मंदिर में भी बारिश का पानी आ गया। उड़ीसा के मलकानगिरी में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन में आईडी बनाने का सामान समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। इंदौर में झरने में गिरी पर्यटकों की कार, मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार पिता और बेटी को बचाया। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फरमान, 3 महिला जज की कमेटी बनाई, कमेटी मणिपुर जाकर राहत और पुनर्वास का काम भी देखेगी। साउथ चाइना सी में चीन की नेवल फ्लीट ने फिलीपींस के जहाज को खदेड़ दिया, चीन के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के आपूर्ति जहाज पर पानी की बौछार की। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, जंग में रूस ने पिछले सप्ताह 5 लाख हथियारों का इस्तेमाल किया है, जबकि गोलीबारी की 9,000 घटनाएं हुई हैं। निप्रो में मिसाइल हमले में एक की मौत हुई, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक अधिकारी ने हमले के मलबे की तस्वीरें साझा की। फिफ्थ जनरेशन के 500 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट्स बनाने का टारगेट रखा है, न्यूक्लियर जखीरे को भी तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका आमने सामने, रेड सी में कई युद्धपोतों के साथ 3,000 अमेरिकी नौसैनिक तैनात। अमेरिका में टेक्सास के गार्लैंड में पेंट प्लांट में जोरदार धमाका, धमाके के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। टर्की के बंदरगाह के वेयरहाउस पर बड़ा धमाका, ब्लास्ट से आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूटी, जांच में जुटी एजेंसी। अंजू पर मेहरबान पाकिस्तान नसरुल्ला का बयान, पाकिस्तान ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ाया। इमरान खान को रिहा करने की मांग को लेकर लाहौर में इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, वकीलों ने शहबाज सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में भी उनके समर्थकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताया। ईरान की राजधानी तेहरान में 3 मंजिला बिल्डिंग में धमाके से 1 की मौत और 16 घायल, धमाके में बिल्डिंग का 80% हिस्सा बर्बाद। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, संविधान पीठ मामले में दायर याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। हैदराबाद के विशाखा में भीषण सड़क हादसा, ऋषिकोडा बीच रोड पर कार बाइक की टक्कर।